दादरानगर हवेली और दीव दमणना भंगारना व्यवसाय में माफिया राज हवे खत्म थई गयो छे। हजारों करोड़ रूपया व्यवसाय हवे गुंडागिरी विना चालवा लाग्यो छे। तेनुं कारण ऑनलाइन वेचाण छे। अहीं तंत्रए भंगारनो व्यवसाय ऑनलाइन करी दीधो छे, जेना सारा परिणामों टूंक समय में ज मळी रह्या छे। भंगार व्यवसाय ने ऑनलाइन थयाने हजु एक महीनो ज थयो छे, त्यां कंपनीओमांथी निकळता भंगारनुं टर्नओवर 4000 टन पार थई गयुं छे, जेनो सौथी मोटो लाभ कंपनी संचालकोने मळी रह्यो छे। अत्यार सुधी आ व्यवसाय केटलाक माथाभारे अने वगदार तत्वोना हाथमां हतो। तेमना दबाण अने धाक धमकीना कारणे कंपनीना मालिकोने मोटुं नुकसान वेठीने तेमनो भंगार सस्ता भावे आपवो पड़तो हतो, परंतु तंत्रना निर्णयथी तेमने राहत थई गई छे, साथे सरकारने पण एक नवी आवक मळती थई छे। ઉદ્યોગ ગૃહ માટે ખૂબ આશીર્વાદરૂપ છે। સમગ્ર પ્રદેશના નાગરિકોએ પણ અત્યંત શાંતિનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। એમને પણ આ પ્રક્રિયાના કારણે સ્ક્રેપના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા જે માફિયાઓ છે, જે દબંગ લોકો છે, જ્યાં કેટલાક લોકોને રાજકીય શરણ પણ હતું, આવા બધા જ લોકો અત્યારે આ પ્રક્રિયાથી દૂર થયા। ऑनलाइन भंगारना व्यवसाय में राखवामां आवेली शरतो अने जोगवाईओने कारणे कंपनी संचालकोने किंमत पण एडवांसमां ज मळी रहे छे, जेना कारणे हवे कोईपण कंपनीना भंगारना नाणा क्यांय अटवाता नथी। देशभरमांथी आ व्यवसाय साथे संकळायेला लोको भंगार खरीदी रह्या छे अने कंपनीओ पण लोखंड, प्लास्टिक अने अन्य भंगार जुदी जुदी केटेगरीमां सारा भावे वेची रही छे, तेथी कंपनी संचालकोमां पण खुशीनो माहोल। जो इस बिजनेस में नहीं थे वो भी आ सकते हैं, नए लोग भी आ सकते हैं, हम डायरेक्ट इंडस्ट्री को भी बेच सकते हैं, पेमेंट की भी, बायर और सेलर दोनों को अपनी पेमेंट की भी दिक्कतें नहीं रहेंगी और सब कुछ सुचारू ढंग से ट्रांसपेरेंट और लंबे समय में आने वाली जनरेशन भी इस व्यवसाय में आ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि उनको भी एक नया काम करने का मौका मिलेगा। तो बेरोजगारी का भी जो एक मुद्दा है, अगर स्क्रैप का बिजनेस पहले हम समझते थे तो स्क्रैप का बिजनेस है, अभी ऑर्गेनाइज ढंग से सेफ लेगा और सबको रोजगार एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा, तो हम प्रशासन की इस कदम की बहुत सराहना करते हैं।